बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी चिकन नूडल्स। तो चिकन नूडल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे नूडल्स का एक पैकेट लिया है। 200 ग्राम मैंने चिकन लिया है बोनलेस। एक अदद मैंने गाजर ली थी और इसको लंबाई में मैंने काट लिया बारीक बारीक। शिमला मिर्च लिया मैंने एक अदद और इसको भी मैंने लंबाई में काट लिया। बंद गोभी लिया मैंने हाफ और इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया। दरदरा पिसा हुआ लहसुन लिया मैंने 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया 1 टेबल स्पून। सोया सॉस लिया मैंने 2 टेबल स्पून। सिरका लिया मैंने 1 टेबल स्पून। नमक लिया मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून। काली मिर्च का पाउडर लिया मैंने 1 टीस्पून। चिली फ्लेक्स लिया मैंने 1 टेबल स्पून। केचप लिया मैंने 2 टेबल स्पून और ऑयल मैं यूज करूंगी 4 टेबल स्पून। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट करूंगी। मैरिनेट करने के लिए इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें काली मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ। चिली फ्लेक्स शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। सिरका शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। सोया सॉस इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून और इसको मैं मिक्स करके रख दूंगी यहाँ पे मैरिनेट होने के लिए 20 मिनट के लिए। यहाँ पे नूडल्स को बॉयल करने के लिए मैंने खुला पानी लिया है। इसमें मैं डालूंगी नमक। नमक इसमें मैंने 1 टेबल स्पून शामिल किया है। ऑयल शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून और यहाँ पे मैं बॉयल आने पर इसमें नूडल्स शामिल करूंगी। पानी यहाँ पे बॉयल हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी नूडल्स। तो ये तोड़े बगैर मैं इसमें डाल दूंगी और इसको 10 मिनट तक मैं बॉयल करूंगी। और नूडल्स यहाँ पे बॉयल हो चुके हैं, ये देखें बॉयल हो गई अच्छी तरह। तो अब इसको स्ट्रेन कर लेंगे और यहाँ पे मैंने नूडल्स को स्ट्रेन कर लिया अच्छी तरह और ठंडे पानी से इनको गुजार लिया। तो कढ़ाई यहाँ पे गर्म हो गया, अब इसमें मैं 4 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल लिया। तो ऑयल यहाँ पे गर्म हो गया था, मैंने इसमें दरदरा पिसा हुआ लहसुन शामिल किया। इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। तो लहसुन का कलर यहाँ पे चेंज हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी चिकन जो हमने मैरिनेट किया था। तो यहाँ पे चिकन को अच्छी तरह हम भूनेंगे। तो मैं यहाँ पे 7 से 8 मिनट के लिए इसको कवर कर दूंगी ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। तो 7 से 8 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है। तो चिकन यहाँ पे अच्छे से गल चुका है हमारा। फ्लेम यहाँ पे मैंने लो रखी थी तो अब मैं थोड़ी सी फ्लेम हाई करूँगी क्योंकि इसमें मैंने वेजिटेबल्स ऐड करनी है। तो अब मैं इसमें ये सारी वेजिटेबल्स शामिल कर रही हूँ, शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी। तो इसको यहाँ पर मैं मिक्स करूँगी। वेजिटेबल्स को हमने यहाँ पे ज़्यादा कुक नहीं करना क्योंकि फिर इनका कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश कलर रहना चाहिए, खड़ा खड़ा रखना है हमने इनको। और यहाँ पे इनको 2 मिनट के लिए सोते कर लेंगे हाई फ्लेम पर। और यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ नमक, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर। तो यहाँ पे मैंने 2 मिनट के लिए इसको कुक कर लिया अच्छी तरह और अब मैं इसमें डालूँगी केचप। आप इसमें चिली गार्लिक केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं सिंपल केचप ऐड कर रही हूँ। इसको यहाँ पे मैं मिक्स करूँगी और अब बारी है इसमें नूडल्स शामिल करने की। तो अब मैं यहाँ पे इसको मिक्स कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सोया सॉस। इसको 2 मिनट के लिए मज़ीद चलाएंगे और यहाँ पे रेडी है सर्व करने के लिए। और यहाँ पे मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। तो रेडी है हमारी मज़ेदार सी चिकन नूडल्स। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल फूड मेकिंग डायरीज़ को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।